और बेस्ट सोर्स है एंटरटेनमेंट का। आप इससे अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, बहुत सारे
एंटरटेनमेंट चीज़ें भी आती है, सॉन्ग्स हैं, फिर बहुत सारी एंटरटेनमेंट चीज़ें आती हैं, एजुकेशन एज वेल एज न्यूज़, और एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एजुकेशन रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ आती हैं, और बहुत सारी आपके जो आसपास जो एरियाज के इवेंट्स होने वाले होते हैं उसकी भी सारी न्यूज़ जो है वो हमें रेडियो के थ्रू इजीली मिल जाती है। नाउ पॉइंट इज टेलीविजन। लेकिन जॉन लॉकी बियर्ड इन्वेंटेड द टेलीविजन इन इंग्लैंड इन 1926। देखिए जॉन लॉकी बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार 1926 में किया था। जो इंग्लैंड के रहने वाले थे उन्होंने 1926 में टेलीविजन का आविष्कार किया था। एंड टेलीविजन हैज एन एडवांटेज ओवर रेडियो एज पीपल कैन सिट इन देयर होम्स एंड वॉच एज वेल एज हियर द प्रोग्राम। देखिए टेलीविजन में क्या हुआ, पहले लोग रेडियोज में क्या करते थे, सिर्फ खाली सुन सकते थे, चीज़ों को देख नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे। लेकिन जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो इसमें क्या था, लोग जितने भी जो भी चीज़ें आ रही थी एजुकेशन रिलेटेड या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या एजुकेशन से किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई भी चीज़ आती थी, लोग उसको देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे। तो टेलीविजन जो है उसकी एडवांटेज ज़्यादा हो गई रेडियो से, कि टेलीविजन से हम अपने घर में बैठ के आराम से कोई भी न्यूज़ सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। और टेलीविजन का जब आविष्कार हुआ तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम में एक नया मोड़ आया, एक नया टर्निंग पॉइंट आया, कि लोगों को और बहुत ज़्यादा इजी हो गया कि अब लोग चीज़ों को देख भी सकते थे और उसको सुन भी सकते थे। रेडियो में सिर्फ सुनते थे लेकिन टेलीविजन के आविष्कार के बाद अब लोग उसको देख भी सकते थे और सुन भी। टाइम फॉर सिनेमा, इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सिनेमा भी मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। ऑलमोस्ट एवरी सिटी एंड टाउन इन इंडिया हैज मोर देन वन सिनेमा हॉल। देखिए आप किसी भी सिटी में देखेंगे एक या एक से ज़्यादा सिनेमा हॉल आपको हर सिटी में मिल जाएगा। एंड इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एज वेल एज एजुकेशन। देखिए बहुत एक ग्रेट सोर्स है, एक साधन है जहाँ पर हम लोग अपने आप को रिक्रिएट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अगर हमें कभी भी बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं हम पढ़ाई करके या फिर कोई भी काम करके हम बहुत देर तक थक जाते हैं, टाइट फील करते हैं, तो हम क्या करते हैं खुद को रिक्रिएट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो सिनेमा हॉल बहुत सारे लोग गेम्स खेलते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, तो हम अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए, दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए हम जो है सिनेमा हॉल भी जा सकते हैं। इससे हमें एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पता चलता है और लेटेस्ट जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी न्यूज आजकल बन रही है, बहुत सारी मूवीज बन रही हैं, वो अलग अलग टॉपिक्स पे बेस्ड होती हैं। उससे हमें बहुत सारी जनरल अवेयरनेस की जनरल टॉपिक्स के बारे में पता चलता है, हम अवेयर होते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें रिक्रिएट्स भी होती है, एज वेल एज हम एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में भी जानते हैं। इन टाउन एंड विलेजेस द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड विद मोबाइल सिनेमा। देखिए टाउन एरिया जितने भी विलेज एरिया है वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो मोबाइल सिनेमा लोगों को प्रोवाइड कराया है। उसमें लोगों को जनरल अवेयरनेस के बारे में उन्होंने बताया, उसमें शॉर्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती है लोगों को, शॉर्ट मूवीज दिखाई जाती हैं, जो भी किसी भी वेरियस सब्जेक्ट्स जो आजकल के सोशल इशूज चल रहे हैं बहुत सारे विलेज एरिया में, तो वो शॉर्ट शॉर्ट फिल्म बनाई जाती हैं और वो लोगों को जागरूक करने के लिए दिखाई जाती है। तो ये भी एक तरीके का मास कम्युनिकेशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन उनको हमें डिलीवर करनी है, कैसे हमें उनको अपनी जो व्यूज हैं थॉट्स हैं या फिर उनकी उन तक हमें कैसे जो है मैसेज को पहुंचाना है। तो ये एक मोड है सिनेमा, इसके थ्रू भी हम अपनी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है या फिर डॉक्यूमेंट्रीज है वेरियस सब्जेक्ट टॉपिक पे सोशल इशूज है उनके बारे में भी हम बता सकते हैं सिनेमा के थ्रू। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट। फिफ्थ पॉइंट इज इंटरनेट। देखिए इट इज़ इजीली एसेसिबल दीज डेज। आजकल जो है इंटरनेट जो यूज़ करना है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। एंड इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी कोई भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। डेटा इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें किसी भी तरीके की आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी वॉन्ट ऑन एनी टॉपिक कैन बी फाउंड ऑन द इंटरनेट। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक की आपको इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू लेनी है तो वो आप जो है उससे इजीली इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल दैट इट बिकम्स डिफरेंट फॉर अस टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। लेकिन एक इसकी ड्रॉबैक ये है कि इसमें बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है। आप देखते हैं बहुत सारी न्यूज़ आती है, फेक न्यूज़ आती है, उसमें बहुत सारे फेक मैसेजेस आते हैं, तो आपको तो ये लगेगा जितनी भी हमें इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सारी
सही इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटरनेट के थ्रू, लेकिन उसमें से आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है, जो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है कौन सी आपको सिलेक्ट करनी है, तो वो ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट मैथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, मोस्ट फास्टेस्ट मैथड है इंटरनेट से। हम कोई भी हमें टॉपिक सर्च करना है या कोई भी मैसेज करना है तो हम इंटरनेट के थ्रू इजीली अपनी बात कह सकते हैं और मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं। अभी मैं वीडियोज बनाती हूँ, आप नेट खोलते हैं और आपको डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू मैसेज जो है, जितना भी मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ वो आप जो है फौरन इंटरनेट ओपन करके और डायरेक्ट यूट्यूब पे सारी वीडियोज देख लेते हो। तो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप जितनी भी, मैं सेंडर, आई एम अ सेंडर, लेकिन मैं जितना भी मैसेज सेंड कर रही हूँ आपके तक, आप रिसीवर हैं तो आप उस चीज को रिसीव कर लेते हैं डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन से। जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हो, आपको मेरा जितना भी मैसेज मैं डिलीवर कर रही हूँ आप उसको डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू आपको देख सकते हो। तो ये इजी है हम लोग के लिए, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। आजकल हर जगह लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आजकल जितने भी स्कूल्स में आप देखेंगे तो सब जगह इंटरनेट के थ्रू स्टडीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टीजमेंट। देखिए, यू मस्ट हैव सीन एडवर्टीजमेंट, दे आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर एंड रेडियो। आप देखते हैं बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो आपको न्यूज़पेपर में दिखते हैं, छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट आते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के, जितने भी मार्केट में या फिर कहीं का भी कोई भी प्रोडक्ट आए आपके एरिया में, तो वो सारे एडवर्टीजमेंट आपको उसमें पब्लिश हुए होते हैं, टेलीकास्टेड और टेलीविजन में भी आपको दिखते हैं और रेडियो में भी आपको बीच बीच में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने लगते हैं, वो सारे जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्रोडक्ट, इसमें हमें क्या होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाउ इन एडवर्टीजमेंट आर ऑल्सो टेलीकास्ट ऑन द इंटरनेट। अब आप देखेंगे जितने भी एडवर्टीजमेंट है अभी तक न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन में टेलीकास्ट हो रहे थे, अब आप देखते हैं आप इंटरनेट यूज करते होगे तो आपको बीच बीच में एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। आपने देखा होगा हाउ टू वॉश योर हैंड्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम है या फिर पाउडर है, डिटॉल सोप है, इसके बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट आपको बीच बीच में इंटरनेट के थ्रू भी, इंटरनेट के बीच में भी टेलीकास्ट हो जाते हैं सारे एडवर्टीजमेंट। एंड एडवर्टीजमेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्प्रेड सोशल अवेयरनेस अमंग पब्लिक। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को क्या, जितनी भी जो सोशल अवेयरनेस है आपके समाज में, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें पब्लिक को अवेयर करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए। जैसे आजकल आप लोगों को देखते हैं आप एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि हमें बाहर निकलने से पहले क्या करना चाहिए, हमें कैसे हैंड वॉश करना चाहिए कोरोना वायरस से बचने के लिए, हमें क्या कर, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, हमें हाथ कैसे धोने चाहिए हैंड वॉश से, और फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें। तो इससे हमें पब्लिक को क्या बताना है, पब्लिक को सोसाइटी सोशल अवेयरनेस के बारे में उन्हें जागरूक करना है कि आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो स्टूडेंट, दिस पॉइंट इज कंप्लीटेड। आवर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज सोशल नेटवर्क। टॉपिक इज सोशल नेटवर्किंग। देखिए, सोशल नेटवर्किंग, इट इज अ मेथड थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लोकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड साइमल्टेनियसली एंड चैट विद देम। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी हमारा फ्रेंड, रिलेटिव कोई भी रहता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी रहता है, हम उससे इंटरेक्शन कर सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं और हम उससे चैट भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट इज फेसबुक। आजकल आप देख रहे हैं जो मोस्ट कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट ज़्यादातर लोग यूज कर रहे हैं वो है फेसबुक। फेसबुक जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। Whatever information we give on a social networking site is shared between all members of the group. कोई भी information अगर हम update करते हैं अपनी, जैसे मेरा Facebook पर account है, अगर मैं कोई भी information अपनी share करती हूँ Facebook पर, तो जितने भी मेरे group के members हैं या मेरे जितने भी friends हैं, तो information सबको share हो जाती है। To become the member of any social networking site, अगर आपको किसी भी social networking site का member बनना है, we have to be over the age of 18 years. तो आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम एज के बच्चे जो होते हैं वो इसका पार्ट, सोशल नेटवर्किंग साइट का पार्ट ना बने, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूज़
फेक होती है तो आपको नहीं पता कि कौन सी न्यूज़ हमें क्लिक करनी है और कौन सी न्यूज़ को हमें छोड़ देना है। तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है, इसलिए कोई भी बच्चा अभी फेसबुक पे जितने भी बच्चे हैं वो फेसबुक अकाउंट को अपने डिलीट कर दें, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट का मेंबर नहीं बनेगा। और अगर आपको सोशल नेटवर्किंग साइट का मेंबर बनना है तो आपको 18 ईयर से ज़्यादा एज के बाद ही आप इसके मेंबर बन सकते हैं। नाउ स्टूडेंट द चैप्टर इज कंप्लीटेड।